नवे एक आशिक की कहानी सुना रहा हूँ, बड़ी दर्द भरी है। मत आ हुआ कुछ यूं कि हमारे बड़े अच्छे जानने वाले हैं, उनके दोस्त थे, अभी हयात हैं, उनके दोस्त थे, इश्क हो गया। महल्ले में एक बच्ची रहने के लिए आई किराए पे, सामने इनका घर था। अच्छा, आंख मटक्का हुआ, ओए आंखें एक से दो ही, दो से चार हुई, इजहार मोहब्बत हुआ। अब ये इजहार कैसा है कि ये एक तरफा है, हाय ये इश्क बड़ा बीमार है, एक तरफा मोहब्बत, हाय कि मैं जान से ज्यादा उसको चाह रहा हूं और वो कुछ नहीं चाह रहा है। ओए होए होए होए, एक तरफा मोहब्बत, एक तरफा मोहब्बत, दीवाना हो गया उसके पीछे। वो कपड़े सुखाने जा रही है तो ये अपनी ग्रिल में बैठा है, गैरली में बैठा हुआ है। वो घर से निकल रही है तो ये बैठा हुआ है, सिर्फ उसका मकसद उसको इम्प्रेस करना कि किसी तरीके से ये इजहार मोहब्बत कर बैठे। लेकिन कैसे करेगी, क्योंकि वो एक खाते पीते घर की बच्ची है और ये ठहरे है गरीब, तो वो तो देखना भी गवारा नहीं कर रही। प्यार तो बहुत दूर की बात है। फिर इस आशिक ने क्या किया, हाय ये एक तरफा इश्क कैसा है, इसने क्या किया उसको पाने के लिए कि किसी तरीके से उसको फोर्स कर ले कि यार मैं तुझसे प्यार करता हूं तो तू भी इजहार कर। उसके लिए क्या किया मालूम, उसके किसी दोस्त ने उसको एड्रेस दिया कि भाई फलाने फलाने जगह चला जा, वहां एक बाबा है, वो तेरा मसला ये हल कर देंगे। इसने बोला देख ले, बोला हाँ बहुत मशहूर है ये। हस्बे दस्तूर उस एड्रेस पे पहुंचा, कहां पर, बाबा के पास। बाबा ने बोला हाँ भाई कैसे आना हुआ, ये मालूम क्या बोलता है, क्या बोलता है, आप बताओ कि मैं क्यों आया हूं, तब तो पता चले कि तुम बाबा हो। उन्होंने बोला अच्छा इश्क का मारा है, ये उसके पैरों में गिर गया कि उसने नजर लगाया होगा जवान है और क्या मसला हो सकता, क्या मसला हो सकता है ना। लेकिन इसकी बेताबी देखो, इसने ये अंदाजा लगाया कि यार इन्होंने ठक करके मेरा पॉइंट पकड़ा है, वो उसके पैरों में पड़ गया। बोला बस अब आप ही करेंगे जो करेंगे। बोला नहीं मैं नहीं करूंगा, अगर तुझे कुछ करना है तो तू खुद कर अपने लिए। बोले मैं कैसे कर सकता हूं खुद अपने लिए। बोला क्यों नहीं कर सकता, अगर तुझे उससे इश्क है, तू उससे मोहब्बत करता है, तो फिर तुझे ये करना पड़ेगा। उसने बोला मुझे क्या करना है। बोला कुछ नहीं, 60 दिन का चिल्ला खींचना है, 2 महीने का। वो काला जादू जो होता है, काला जादू, इसका मतलब वो बाबा सही नहीं है। नहीं, वो ब्लैक मैजिक, काला जादू करने वाला है। उसको ने उसको मशवरा दिया कि तुम 2 महीने का चिल्ला करो और 2 महीने के चिल्ले के बाद जिस चीज को तुमने नजर भर के देखा वो चीज तुम्हारी हो जाएगी। इसने सोचा ऐसा मुमकिन है, बोला बिल्कुल है, लेकिन याद रख चिल्ले के दौरान तूने बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना है। इसने बोला मसलन, बोला मसलन क्या, मिसाल के तौर पे तुझे चिल्ले के लिए कुछ चीजें दरकार होंगी। अच्छा, वो तुझे लानी होगी। जैसे कि क्या, जैसे कि क्या, उसने भी यही पूछा। हाँ। मिसाल के तौर पे क्या चीज लानी होगी, तो वो बाबा उसको बता रहा है, बकरे की कटी हुई गर्दन, बकरे की कटी हुई गर्दन, कब्रिस्तान की मिट्टी और स्पेशली उल्लू की आंख, ये चीजें तुझे दरकार है तेरे इस अमल के लिए। उल्लू की आंख, उल्लू की आंख, कब्रिस्तान की मिट्टी और बकरे की सिरी, बकरे की सिरी, सिरी यानी धर से अलग गर्दन, बकरे गर्दन। बोले इससे क्या होगा, बोला ये पहले चीजें ये अरेंज कर, उसके बाद जो आखिरी चीज तुझे लानी है वो जिस दिन तेरे चिल्ले का आखिरी दिन होगा उस दिन तुझे वो चीज लाके बैठना है चिल्ले में। अच्छा, इसने बोला क्या, बोला नहीं तू जा चिल्ला शुरू कर। उसको जो पढ़ने का था उसने उसको बताया, अब काले में क्या पढ़ते हैं मुझे नहीं मालूम। इसने उसको तमाम पढ़ाइयां बताई उस बाबा ने कि तुमने जाके ये पढ़ाइयां करनी और आज से ही चिल्ला शुरू कर दे। उस जाली बाबा ने जाली सब तरीका काले इल्म का जो हाँ। काला इल्म करने वाला बाबा है उसने उसको बताया कि तुम घर जाओ और घर जाके सन्नाटे में 12 बजे के बाद एक दायरा बनाओ के चौक से, गोल दायरा,
उस दायरे के बीच में बैठोगे और ये तमाम चीजें जो मैंने तुम्हें बताई हैं, ये अपने साथ रखोगे। वो तीनों चीजें हाँ। ये हस्बे दस्तूर हाँ। उसने वो चीजों का अरेंज कैसे किया अल्लाह जानता है, अपने को नहीं मालूम। कर लिया लेकिन इसने वो चीजों का अरेंज करके और उस दायरे में बैठ गया और पढ़ाई शुरू कर दी जो काली पढ़ाई होती है। उसने उसके दौरान क्या क्या अमल किए मैं वो बताने से कासिर हूं। उसने वो काम किए कि जो एक इंसान को नहीं करने का काम, इंसान को हैवान बना दे, हैवान बना, वो पढ़ना शुरू कर दी, वो पढ़ाई शुरू कर दी। दिन गुजरते चले गए। अब चिल्ले का आखिरी दिन है, यानी 60वां दिन जिस दिन उसका चिल्ला पूरा होने जा रहा है। 49 दिन ये पूरे कर चुका है, 49 दिन गुजर चुके हैं, 60वां दिन है आज चिल्ले का आखिरी दिन। ये बाबा के पास जाता है आखिरी दिन, और इसके बाद ये करने के बाद इसके बाद पावर आ जाएगी, पावर आ जाएगा वो कि जिस चीज को वो देखेगा वो उसकी हो जाएगी। ये बाबा के पास गया कि आखिरी दिन मुझे क्या करना है, मुझे ये बताओ। मालूम वो बाबा उसको क्या कहता है? क्या ये बाबा से मिला, बोले बताइए अब मुझे क्या करना है? बोला अब जो तुझे करना है ये तेरा आखिरी काम है, इसके बाद वो होगा जो तू चाहेगा। बोला बताओ मुझे क्या करना है? बोला रात को 12 बजे कब्रिस्तान जाके मुर्दे की हड्डी, किसी भी जिस्म की, कोई भी किस्म की हड्डी, मुर्दे की जिस्म की हड्डी चाहिए। जरूरी नहीं है कि बड़ी हो, इतनी सी भी हो तो चलेगी। इंसानी हड्डी होनी चाहिए और मुर्दे की इंसानी हड्डी वो तुझे चाहिए। बोला वो? बोला बस वो ले जाकर और उस दायरे के दरमियान तूने बैठ जाना है। तेरा टाइम पूरा होगा और जब तू उठेगा तो तुझे वो मिला हुआ होगा जो तू सोच नहीं सकता। ये क्या ना करता? इसने बोला ठीक है। रात को 12 बजे कब्रिस्तान जाता है, कब्र में उतरता है हाँ। मुर्दे की हड्डी, इतनी सी हड्डी जो वो जेब में रख ले, वो हड्डी जेब में रख के घर आता है और हस्बे दस्तूर वो अपने दायरे में बैठकर चिल्ला करता है। हड्डी घर ले गया है, दायरे के बीच में बैठा है और आखिरी रात है और वो पढ़ाई शुरू करता है। अब जब इसका इक्वल टाइम पूरा हुआ तो क्या देखता है कि दायरे से बाहर, यानी जहां वो बैठा है उसके बाहर नोटों का अंबार है, सोने का अंबार है, और एक आवाज आती है कि उठा, ये सब तेरा है। क्या आवाज आ रही है? उठा, ये सब तेरा है। सब तेरा है। इसके जहन में आता है कि मुझे तो ये चाहिए ही नहीं, उसे तो वो लड़की चाहिए, उसे तो वो चाहिए जिसके लिए उसने ये सारे जतन किए, यानी हाँ। वो लड़की। फिर वो नहीं उठाया मत, थोड़ी देर में देखता है तो बाप आता है। बाप उसको डांटता है कि क्या बकवास कर रहा है और क्या बड़बड़ा रहा है, तू खड़ा हो और चल अंदर। उस सर्कल के बाहर उसका बाप, उस सर्कल के बाहर उसका बाप खड़ा होकर उसको आवाजें दे रहा है। ये सोचता है कि आज मेरी आखिरी रात है ये चिल्ले की, अगर मैं दायरे से बाहर जाता हूं तो मेरा सब किया धरा खत्म हो जाएगा। वो अपने बाप की बात को भी इग्नोर कर देता है और नहीं उठता। अब क्या देखता है? जिसके लिए उसने सारे जतन किए वो लड़की उसके सामने खड़ी है दायरे से बाहर और इसे कहती है कि तूने पा लिया वो जो तू चाहता था, ले मैं तेरे लिए हाजिर हुई। फिर उसने क्या किया? तूने ये जतन मेरे लिए किए तो आ आ और मेरे गले से लग जा। अहमद ये उठा, दायरा क्रॉस किया और उसका दिमाग पलट गया। क्योंकि जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि वो जो शय थी हाँ। वो पैसे की सूरत में, वो उसके बाप की सूरत में, वो लड़की की सूरत में, वो शैतानी ताकत थी।
जो उसको उस दायरे से बाहर निकालना चाह रही थी। और वो इससे बिल्कुल लाइल था, लाइल कि मेरे साथ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और आज उसकी वो हालत है कि क्या मजनू की हालत होगी यार, जिसका दिमाग ही पलट गया हो उसकी क्या हालत होगी। उसका दिमाग पलट गया, दिमाग पलट गया उसका, और आज भी वो जिंदा है। लेकिन मैं कहता हूं कि शेख साहब सही पलटा है दिमाग, जो काले जादू की तरफ चला जाए यार, क्यों अपनी आखरत तबाह कर दी इस हद तक, इस हद तक यानी मोहब्बत में इतने अंधे हो गए। हाँ ये यंगस्टर नौजवान, हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है। हर वो काम जिसमें परवरदिगार ने मनादी की है, हाँ वो तो नहीं करना है। प्यार करने को मना नहीं है, प्यार करने को मना नहीं है, शादी करने को मना नहीं है। आप प्यार करते हो रिश्ता भेज दो, शादी कर लो,